अगर आप दिल्ली से नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा रोजाना सफर करते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि अब आपके सफर को आसान बनाने और आपका समय बचाने की दिशा में DMRCA एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे आपके समय के साथ साथ आपका पैसा भी बचेगा। अब सेक्टर 142 के स्टेशन को सीधा दिल्ली के तुगलकाबाद मेट्रो से जोड़ने की तैयारी है। चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। सफर को आसान बनाने और कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लोग अक्सर मेट्रो में सफर करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम लगता है और व्यक्ति कम समय में ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट के अनुसार इस समय कुल 12 लाइनें हैं और 286 स्टेशन हैं, और इसकी रेल लाइनों की कुल लंबाई करीब 391 किलोमीटर है। अभी भी बहुत सी नई लाइनों का और अन्य नए स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है। अलग अलग लाइनों को जोड़ने के लिए भी काम चल रहा है। इस कड़ी में अब ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन के सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन को सीधे दिल्ली के तुगलकाबाद मेट्रो से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशन ने सर्वे कराकर काम शुरू कर दिया है। नोएडा ग्रेटर के बीच एक्वा लाइन पर मेट्रो चल रही है। इस लाइन पर सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन पहले से ही बना हुआ है। सेक्टर 142 को दिल्ली के तुगलकाबाद मेट्रो से जोड़ने के लिए एक नया कॉरिडोर बनाने पर विचार किया जा रहा है। ये कॉरिडोर करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा। अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा तो नोएडा दिल्ली के बीच तीसरा मेट्रो कॉरिडोर होगा। अभी मेट्रो के जरिए नोएडा ब्लू और मेजेंटा लाइन के जरिए दिल्ली से जुड़ा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी से दिल्ली द्वारका तक ब्लू लाइन पर मेट्रो चल रही है। इसके अलावा सेक्टर 38 ए बोटानिकल गार्डन से दिल्ली की जनकपुरी तक मेजेंटा लाइन पर मेट्रो चल रही है, जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं। इसके अलावा DMRCA 3 नए कॉरिडोर तैयार करवाने के लिए मेट्रो टोपोग्राफी सर्वे कराने का फैसला कर चुकी है। ये कॉरिडोर सेक्टर 142 से दिल्ली के तुगलकाबाद, समयपुर बादली से कोंडली और कोंडली से सोनीपत के बीच बनाया जाना है। पहले से ही साकेत से तुगलकाबाद तक मेट्रो लाने के लिए निर्माण चल रहा है। नोएडा से दिल्ली के बीच कॉरिडोर बनने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों को इससे सीधा फायदा होगा। इस नए कॉरिडोर के बनने पर नोएडा के लोगों का क्या कहना है, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स इतने लग रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोचिंग जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सरकार का अच्छा फैसला है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो एक नया रेलवे स्टेशन हो रहा है जेवर नाम का, वो है यहाँ पे फेस्टिवल सिटी बन रही है, फिल्म सिटी बन रही है, और ये मतलब ये योगी सरकार का एक अच्छा फैसला है कि वो नोएडा को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें होगा हमारे स्टूडेंट लोगों को, और जो सुबह सुबह लोग वहाँ काम पे जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिनकी, जिनको डेली अप डाउन करना होता है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा इस मेट्रो बनने से होगा। और सबसे मेन चीज़ ये कि जो ट्रैफिक जाम जो लगता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा उन लोगों को राहत मिलेगी। आपको कैसी लगी मेट्रो से जुड़ी ये अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।